अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज ना हम बनाने लगे हैं मिस्सी रोटी, बेसन वाली रोटी। एक कप बेसन है, एक कप गंदम का आटा ले लो, एक बड़े साइज़ का अनियन है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं सही तीखी वाली। नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया साबत या पाउडर जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहते हो 1 टेबल स्पून और 2 चुटकी अजवाइन। 2 टेबलस्पून भर के इसमें घी के डालेंगे, मेरे पास बड़ा था तो मैंने एक ही यूज़ किया। अब जनाब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जब तक ये क्रम्बल नहीं कर जाती ना अच्छी तरह से। प्याज के पानी और घी के साथ ये काफ़ी हद तक गूंदा जाता है, हमने इसका टाइट आटा लगाना है इसलिए इसके अंदर पानी बहुत कम इस्तेमाल होगा। अगर आप इस आटे को तंदूर पर भिजवा के इसके रोटियाँ लगवाते हैं ना, जिस तरह तंदूर के ऊपर वो लगाते हैं रोटियाँ, ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होंगी कि क्या कहने। वैसे अगर जिस तरह हम तवे पे बना रहे हैं तो भी बहुत ही मज़े की बनेंगी। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि क्या बनाएं और कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा होता है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। ठंडे दही के साथ इसको सर्व करते हैं, अगर मैंगो का सीज़न है तो मैंगो इसके साथ ठंडा ठंडा सर्व करो, वो भी बहुत मज़े का लगता है। नहीं तो केले वाली चटनी जो पुदीने के साथ बनती है, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। ये जनाब आप देख लो, टाइट सा आटा हमने गूंद कर तैयार किया था, इसका एक पेड़ा बना लेंगे। रोटी के पेड़े से थोड़ा सा बड़ा इसका पेड़ा होता है और इसको थोड़ा सा मोटा रखा जाए। जब तक रोटी बेली जा रही है तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस यूट्यूब की बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी आसान रेसिपीज़ और रेमेडीज़ वाला चैनल आप गुम ना कर दें। रेड बटन को क्लिक कर लें, बल्कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। ये जी हमने रोटी डाल दी है तवे के ऊपर, मीडियम हीटेड फ्लेम के ऊपर हम इस रोटी को पकाएंगे। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट रोटी होती है, जिस तरह चूरी छोटी छोटी हो जाती है ना, उस तरह से इसको आप नमकीन चूरी समझ लें। देसी घी में इस रोटी को बनाइएगा, बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। बहुत सॉफ्ट होती है रोटी, अंदर से सॉफ्ट होती है, ऊपर से क्रिस्पी होती है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। स्पेशली जिन दिनों में कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि क्या पकाएं और कुछ अलग खाने का दिल कर रहा होता, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये थी जी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मस्त लाइक कर दें, कोई भी ऐसा कमेंट छोड़ दें, कुछ पूछना है तो पूछने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठंडे ठंडे दही के साथ इस रोटी को सर्व करेंगे, ठंडा ठंडा अगर आम है तो फिर तो सोने पे सुहागा। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।